सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। कभी समोसा तो कभी स्किल, हमेशा क्यों छाए रहते हैं ऋतिक रोशन। ऋतिक के हिसाब से क्या है एक एक्टर की पहचान, और क्या ऋतिक रोशन हॉलीवुड में भी ट्राई करने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं फिल्म वॉर के सुपर हॉट सेंसेशन ऋतिक रोशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग, अपने स्किल्स, अपनी डांस परफॉर्मेंसेस और अपनी पिक्चर्स को लेकर सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन हर वक्त छाए रहते हैं। अभी हाल ही में उनके एक पोस्ट को जोमैटो कंपनी के रिप्लाई की वजह से काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई है, जब उन्होंने समोसा खाने की इच्छा जताई और जोमैटो ने उनका जवाब भी दिया। जोमैटो ने लिखा, माँ मेरी शक्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है। फिर से अभी हाल ही में एक्टर ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए अपने फैंस को एक्टिंग का मंत्र भी बताया है। एक्टर ने अपने फैंस से पूछा है कि क्या लग रहा है उनकी इस फोटो को देखकर, कि क्या उनके हाव भाव असली हैं या फिर हैं नकली। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हाल ही में हमने ऋतिक रोशन को फिल्म वॉर में देखा था। अब जल्द ही ऋतिक रोशन हमें दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म फाइटर में नजर आने वाले हैं। और आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ऋतिक रोशन ने हमें बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिसमें वो बड़ी ही ईमानदारी से हम सभी के लिए एक्टिंग करते हुए भी नजर आए हैं। ऋतिक रोशन ने अभी तक कुल 25 फिल्में हम सभी को दी हैं। साल 2000 में वो पहली बार हमें फिल्म कहूँ ना प्यार है में नजर आए थे, और उस फिल्म के जरिए वो रातों रात स्टार बन गए थे। फिल्म वॉर बॉक्स ऑफिस पर आई उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 317 करोड़ का बिजनेस भी किया था। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ का भी एक बेहद अहम रोल नजर आया था। अब फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था, तो अब अपनी अगली फिल्म के साथ भी सिद्धार्थ आनंद आ रहे हैं, जिसका नाम है फाइटर, और उसमें हमें नजर आने वाले हैं ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। अब बात की जाए अगर ऋतिक रोशन की, तो ऋतिक रोशन अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से आजकल बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हॉलीवुड में भी अपना कदम जमाएं। ऋतिक रोशन बस एक सही स्क्रिप्ट की तलाश में है। तो दोस्तों, ऋतिक रोशन से जब पूछा गया कि वो आखिर क्या समझते हैं सफलता के बारे में, तो उन्होंने कहा, मैं वैसा ही महसूस करता हूँ जैसा कहूँ ना प्यार है के वक्त महसूस करता था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मैं तब भी सफल था और आज भी सफल हूँ। मुझे लगता है कि मैंने एक पूरा चक्कर लगा लिया है और मैं वापस से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं खुद को नए नए प्रोजेक्ट्स में ढालना चाहता हूँ, ताकि मेरी जिंदगी में रोमांच और उम्मीदें बनी रहे, और मैं इन सब चीजों का एहसास हमेशा करना चाहता हूँ। ऋतिक ने बोला कि बस यही सब मेरे लिए सक्सेस है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऋतिक की आने वाली फिल्म में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, और हॉट ऋतिक का लुक कितना और ज्यादा हॉट होने वाला है? तो आप सभी को जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।